जो कहते हैं कि पहाड़ों में रहना बहुत आसान है और बहुत मजे की लाइफ है, तो ये देखो पहाड़ों में क्या सीन चल रहा है आजकल। इतनी तबाही है ना, इतनी तबाही कि सोचना पड़ रहा है जाने से पहले कि जाए या ना जाए, क्योंकि कब नीचे गिरे कोई पहाड़ और पता नहीं रास्ता ब्लॉक हो जाए, कुछ नहीं मालूम। देखो JCB वगैरह सब लगी हुई है ऑन द टाइम कि कोई गिरे तो हम बचाएं सबको। देख सकते हो रोड इस तरफ, पूरी नीचे नदी बहती है, बहुत बड़ी कोसी नदी, बहुत पानी है उसमें। ये हिसाब है भाई यहाँ का आजकल। हम मत बोलना कि पहाड़ों में रहना बहुत आसान और मजे की लाइफ होती है, ये सब भी देखना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं पहाड़ों में जब भी आओ आप, गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है आज। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी बिल्कुल पलट चुकी है यार। इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा, प्रे कर रहा हूँ कि ये ठीक हो। बिल्कुल उल्टी हो चुकी है गाड़ी इस समय, और ये पूरा भीमताल हाईवे है, यहाँ बिल्कुल जाम लगा हुआ है और हमें पता भी नहीं था कि इस चक्कर में जाम लगा हुआ है, और गाड़ी बिल्कुल पलट चुकी है। गुड मॉर्निंग, दिस इज JJBab बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ यार कोविड वैक्सीन के बाद सबसे पहले तो अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी पे मुक्तेश्वर में, एज़ यूजुअल जहाँ मैं आता हूँ हमेशा। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा मौसम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ की बारिश के बाद जो नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो गाइज इस समय यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड हो रहा होगा 14-15 डिग्रीज के अराउंड। यहाँ के यहाँ तो इतना ज़्यादा कुछ ठंडा फिर लग नहीं रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, इतने समय बाद इतनी सही जगह पे आया हूँ। और इसी समय लोग क्या करते हैं ना कि सर्दियों में ही आते हैं, यूजुअली प्रेफर करते हैं सर्दियों में आना, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह की वजह से। लेकिन जो असली ब्यूटी है ना पहाड़ों में, अगर आपको पहाड़ में देखना है तो मानसून से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ रिस्की है माना, कि ये जो व्लॉग्स में प्रॉब्लम्स देखी अभी आपने, रोड्स की लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, लेकिन अब अगर घूमने वाले हो तो फिर घूमने के लिए तो ये सब चीज़ें उठानी पड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब 3-4 महीने हो गए थे ये सब नज़ारे देखे हुए यार, बहुत अच्छा लग रहा है। उस तरफ सनसेट हो रहा है वहाँ पीछे वहाँ पे, और क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और सनसेट हो रहा है, तो वहाँ पे एक अलग से ही उजाला हो रहा है। बाकी फ्रूट बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आ गए हैं, ग्रेप्स, प्लम, खुमानी, पेयर्स, एप्पल, सब कुछ यहाँ पे हो गया है। बाकी मैं दिखाता रहूँगा कैसे कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ के कुछ फार्म के यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ देख रहे हो आप, ये पूरी अंगूर की बेल है, तो यहाँ पे ये देखो अंगूर अभी आने लगे हैं इस तरह से, वो देखो अंदर लगे हुए हैं वहाँ पे भी। मैं और नीचे आ गया हूँ फार्म में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो सेब का पेड़ है, अच्छे खासे सेब लगे हुए हैं यहाँ पे भी, और ये सारे सेब के पेड़ हैं इस तरफ जितने भी हैं, ये देखो। अभी छोटे हैं बट जल्दी ही पक जाएंगे। बाकी अगर मैं इस तरफ अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक पेयर का वो है, पेड़ है। आई डोंट नो पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बताना अगर पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस समय। नाशपाती, यस यस नाशपाती का पेड़ है ये, तो इसमें भी नाशपाती लग गई है यहाँ पे, ये देखो। गाइस आज तो शाम का टाइम इतना सुंदर हो रहा है, भगवान सारे नज़ारे दिखा रहा है एक साथ। बादल, हिमालयाज दिख रहे हैं पूरे पीछे, एकदम क्लियर दिख रहे हैं, और साइड में इतना अच्छा लग रहा है। साइड देखो दो दो रेनबोज, एक वो है और एक ये रहा, साइड हल्का सा दिख रहा है लेकिन हाँ दिख रहा है एकदम। बहुत ही अच्छा फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे नेचर का, और ये देखो हिमालयाज कितने क्लियर दिख रहे हैं आज, बहुत टाइम बाद दिखे हैं यार, बहुत टाइम बाद, मैं क्या बताऊं।
ओ भाई वो अलग हो गई ना वहाँ से, वैसे बुलाते हैं। हम बोल रहे थे ना इतनी सारी बकरियों को कैसे मैनेज करते हैं। आंटी आपके पास कितनी बकरियां हैं? ऐसे आप गिन के नहीं लाते कि अगर खो गई तो? अरे कभी खो जाती है क्या? ना तो कभी नहीं खोती, सब आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बुला रहे थे जैसे आप ऐसे बुला लेते हो इन्हें। हाँ, हाँ। अच्छा। ये तो क्योंकि जैसे देखो वो वाले कितने नीचे चले गए, उसको पता कैसे चलेगा यहाँ पे आना है? उसको पता सब है, वो अभी मैंने मारा ना तब वो भागा। ओ अच्छा, गुस्सा करके गई है तभी अकेले घूम रही है। वो दिखा रही है। और ये खा भी नहीं रही है, इसे स्टैचू क्यों रखी है ब्रो? हाँ ये देख मुंह में लगे खड़ी, खा ही नहीं रही है। देख इसके पास मुंह में है थोड़ा, देख कैसे रही है, कुछ कर दे। कितना डर भी नहीं रहे ना ये, हम इनके पास चल के आ रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक स्टंट करने के लिए आई है बकरी, अक्षय कुमार से इंस्पायर्ड होके। ओ ये इसका खाने का तरीका अलग है, नीचे खाई है और कैसे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बस पत्ते निकालने हैं। भाई नीचे खाई है और वो ऐसे खा रही है। वो बकरी गई है, गुस्सा हो गया आंटी से दूर। हाँ वो बकरी गुस्से में है, नीचे अलग ही खाए। और इधर आंटी फ्रस्ट हो चुकी है बकरियों के आतंक से, मान ही नहीं रही। वो छोटी बकरी कितनी आई है, बढ़िया। ओ वाओ चलो इस छोटी बकरी के पास। वाओ ऐसा लग रहा है ना जैकेट पहन रखी है, कुछ बॉडी 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 बहुत मार, तभी तो पहाड़ों की बकरी ऊपर ऐसे रहते हैं। इसके पैर भी कितने प्यारे हैं। डर भी नहीं रही है ये। बोल कुछ बोल। अरे इससे अक्षय कुमार की तरह बोला है, पता नहीं बात क्या आता है, जून से पहले क्या आता है। अरे हाँ अरे देखो हमारे पास बोलने वाली बकरी आई है। क्या आता है अप्रैल के बाद? इधर आ, अप्रैल के बाद क्या आता है? बोली 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 देखो बोलने वाली बकरी मिली है यार, डर रही है। भाई क्या चल रहा है, इतनी शॉपिंग कौन करता है भाई? ये तुम्हारा है। डब्बा भर के आया और सामान खत्म नहीं हो रहा है अभी तक। ये मेरा है। ये वो थी क्या, नो रीजन सेल आई थी, तुम मंगाया था क्या? नो रीजन सेल बिना बात के सेल में मंगाए गए प्रोडक्ट्स। तो गाइस ये देखिए, बिना बात पे मंगाए हुए प्रोडक्ट्स मिंत्रा की सेल पे। ओ भाई सही मंगाई यार तुमने, तुमने फिर अलग कलर मंगा लिया। ये तो मैं हिप हॉप करूंगा इसमें, सही है भाई गर्मियों के हिसाब से मस्त है। फ्लोरल्स अपना शो करो, देखते हैं किसका अच्छा आया है। सम अरे सुनो टी-शर्ट में, शर्ट में फ्लोरल्स ये देख, ये जो बीच वाली गई वाली है यार। कसम से इसमें सोचो ये गार्डनिंग कर रहे हैं तो कितना अजीब लगेगा इंसान। ये तो गोवा के बीच वाली है, क्योंकि शॉर्ट्स ही मंगाने चाहिए थे ना, शॉर्ट्स मंगाए। और ये देखिए शर्ट्स आई हैं जबरदस्त। ये ओ भाई ये बढ़िया लग रही है ब्रो, इसका पैटर्न आ गया मजेदार, तो ये पसंद आ गया गाइस, ये मैं ले जाऊंगा घर को, गौरव भाई गिफ्ट कर रहे हैं। और ये कुछ चमत्कारी सा चितकवरी सा दिख रहा है, खत्म नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं सामान, खत्म नहीं हो रहा है। ये यार क्या कर रहे हो यार, कितना निकल रहा है ये? ये कुर्ता है, हैं? यस ब्रो। ओए यार ये कुर्ता बढ़िया लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, सीरियसली ना। ये बहुत एक्साइटेड है, मिंत्रा कहता है वीडियो बनाया करो ना। अरे मैं व्लॉग बना रहा, तुम वीडियो की बात कर रहे हो। ये देखिए सर एक और जींस आई है, खुशी देखिए चेहरों पे, खुशी खुशी देखिए चेहरों पे, खुशी देखिए कितनी खुशी है। वाह जी वाह, ऑल कंप्लीट नाउ सर। ये देखिए कि इतने इन्हें कपड़े तो मंगाने का शौक है लेकिन खोल के देखने का शौक नहीं है। और इनको ये अब पांडे भाई के कपड़े भी खोल के देख रहे हैं, अपने तो खोल ही दिए। अब पांडे जी को दिखाएंगे, ये मंगाया आपके लिए सर, ए पी शर्ट, ए पी से पसंद है। तो पांडे भाई के सारे कपड़े चेक किए जाएंगे गाइस। गाइस आज मेरे घर में निकला था सांप छोटा सा, जो मैंने पकड़ लिया है, जो कि इस जार में है। मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, अगर दिख सकेगा। ये देखिए बहुत सुंदर सा है ये, आई थिंक ये कोई अजगर का बच्चा है ये, या फिर क्रेट है, कोई अगर एक्सपर्ट है सांपों की स्पीशी पता लगाने में तो बताए मुझे किस तरीके कौन सा है ये। बहुत प्यारा सा है, जो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो हम इसको छोड़ने चलते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत थक गया है ये बेचारा, और इसको जंगल में छोड़ के आते हैं। और जंगल तो यहाँ पूरा ही है, देख सकते हैं पूरा इधर जंगल जंगल ही है।
तो इसे छोड़ देते हैं और बट अपने आप ही निकलने को राजी हो गया था अभी कह रहा मुझे छोड़ो अभी तो कहाँ छोड़ जाए ये भी तो उधर रोड है पर हम कोशिश करते हैं इसको यहीं कहीं छोड़ देते हैं। तो गाइस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, वो देखिए जा रहा है। आज का ये सांप बचाने का मिशन, वैसे भी सावन चल रहे हैं, सावन में कौन मारता है यार सांपों को, वो बेचारा चला गया अपना स्मार्ट बढ़िया सा सूता सा सांप था। तो आगे देखते रहेंगे, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। पकड़ने तो देते नहीं घर वाले, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो तेज़ है थोड़ा लेकिन, तो भाग गया वरना हाथ में दिखाता। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।